भारत और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा टेस्ट मैच भारत की जीत के अलावा और जिस वजह से चर्चा में रहा वो है कमेंटेटर कैरी ओकीफ का एक बयान। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी और फॉक्स क्रिकेट के कमेंटेटर ओकीफ ने तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भारत के फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बेइज्जती की थी। ओकीफ ने मयंक अग्रवाल के रणजी ट्रॉफी में 13 शतक पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वो कैंटीन और वेटर्स के खिलाफ लगाया था। साथ ही ओकीफ ने चेतेश्वर पुजारा और रविंद्र जडेजा के घरेलू क्रिकेट को लेकर भी कमेंट किए थे, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर खूब आलोचना हुई थी। कैरी ओकीफ ने अब एक ओपन लेटर लिखकर माफी मांगी है। ओकीफ ने लिखा है कि जिस वजह से उनकी आलोचना हो रही है वो इन बेहतरीन खिलाड़ियों का उपहास करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, साथ ही मैं किसी भी सुझाव देने से भी डर रहा हूँ। ओकीफ ने आगे कहा कि मेरी टिप्पणियों पर मिली प्रतिक्रिया से मैं टूट चुका हूं, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूं जैसा मुझे पेश किया जा रहा है। ओकीफ ने आगे कहा, मैं इस बात को मानता हूं कि प्रशंसक हमेशा मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रख सकते। वहीं भारतीय क्रिकेट को लेकर ओकीफ ने कहा कि मैं स्कूली छात्र के रूप में भारत का दौरा किया था और भारत के क्रिकेट प्रेम को अभी भी प्रेरणा मानता हूँ, साथ ही मैं भारत का सम्मान भी करता हूँ। नेक्स्ट स्पोर्ट्स से लव कुमार की रिपोर्ट।